दोस्तों स्वागत करते हैं आप सभी का और हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की ताजा बड़ी खबरें जिसको जानेंगे एक एक करके विस्तार से, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों इस वीडियो को बनाने में हमारी बहुत मेहनत लगती है, इस वीडियो के लिए एक छोटा सा लाइक जरूर कर दें। और इसी के साथ दोस्तों आज की पहली और बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, राफेल सौदे को लेकर राहुल ने फिर से साधा सरकार पर निशाना, भाजपा ने किया पलटवार। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर में जानेंगे कि दिल्ली सरकार की नई पहल, सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के साथ अब छात्र भी जा सकेंगे विदेश। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर में जानेंगे कि पंजाब में महामारी का दूसरा दौर, तेजी से बढ़ रही है मृत्यु दर। और साथ ही दोस्तों जानेंगे कि अब आपकी पढ़ाई के लिए पैसे देगी सरकार, फॉलो करें 5 स्टेप, तुरंत खाते में आएगा पैसा। इस खबर को भी जानेंगे विस्तार से, पर उससे पहले जी और नीट 2020 परीक्षा को रद्द किए जाएं, मनीष सिसोदिया ने केंद्र से की है विनती। और इसी के साथ दोस्तों जानेंगे कि क्या मच्छर के काटने से भी हो सकता है महामारी, WHO से जानेंगे इसका जवाब। और साथ ही अगली बड़ी खबर में जानेंगे कि अब बिना कार्ड के ATM से निकाल सकते हैं पैसे, SBI बैंक दे रहा है ये खास सुविधा। और इसी के साथ दोस्तों जानेंगे अगली बड़ी खबर में कि डिजिटल विलेज से 20 लाख लोगों को मिलेगी नौकरियां और 1000 दिन में 4.5 लाख गांव की बदलेगी तस्वीर। और इसी के साथ दोस्तों जानेंगे कि गैस सिलेंडर का पैसा इस प्लेटफॉर्म से करें पेमेंट, आपको फ्लैट 50 रुपए मिल जाएंगे वापस। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर में जानेंगे कि व्हाट्सएप के जरिए मिलेगा फटाफट लोन, इस प्रोसेस को भी पूरा जानेंगे। पर उससे पहले अगली बड़ी खबर में जानेंगे कि पाक ने माना कराची में रहता है दाऊद, लिस्ट में डाला नाम। और साथ ही दोस्तों जानेंगे कि सुशांत के घर CBI की टीम मुंबई पुलिस के साथ करती रही छानबीन। दोस्तों इसी के साथ अगली बड़ी खबर में जानेंगे कि 12वीं पास के लिए इस पोस्ट पर निकली है वैकेंसी, क्या है पोस्ट और कैसे कर सकते हैं अप्लाई, जानेंगे इस खबर को विस्तार से। पर उससे पहले जानेंगे कि मायावती का जागा ब्राह्मण प्रेम, कहा कि बुद्धिमान है ब्राह्मण समाज, बहकावे में नहीं आएगा। और इसी के साथ जानेंगे मौसम के ताजा हाल को, ऐसे ही देश और दुनिया के 20 बड़ी खबरों को एक एक करके विस्तार से जानेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं आज की पहली और बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें कि राफेल सौदे को लेकर राहुल ने फिर से साधा सरकार पर निशाना, भाजपा ने किया पलटवार। दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने राफेल विमान सौदे को लेकर शनिवार को सरकार पर नए सिरे से निशाना साधा है, जिस पर भाजपा नेता केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने तगड़ा पलटवार किया है। गोयल ने कहा कि 2024 का लोकसभा चुनाव इस मुद्दे पर लड़ने के लिए राहुल आमंत्रित हैं। राहुल गांधी ने एक खबर का हवाला देते हुए ट्वीट किया कि राफेल के सौदे में भारतीय खजाने से पैसे की चोरी हुई है। कांग्रेस नेता ने महात्मा गांधी के एक कथन का हवाला देते हुए कहा कि सत्य एक है, रास्ते अनेक हैं। आपको बता दें कि उन्होंने जिस खबर का हवाला दिया उसके मुताबिक नियंत्रण और महालेखा परीक्षक यानी कि कैग ने रक्षा अपसेट अनुबंधों को लेकर अपनी परफॉर्मेंस ऑडिट रिपोर्ट सरकार को दे दी है, जिसमें कि राफेल विमानों की खरीद के संदर्भ में किसी भी ऑफसेट अनुबंध का उल्लेख नहीं है। दोस्तों जिस तरीके से राहुल गांधी अपनी बात को वीडियो या फिर ट्वीट के जरिए लोगों तक पहुंचाते हैं, आप उनकी बातों से कितने सहमत होते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि दिव्यांगों की सुविधा के लिए केंद्र सरकार ने बदले नियम, गाड़ी की खरीद पर माफ होगा GST और मिलेंगे ये फायदे। दोस्तों आपको बता दें कि व्यावसायिक या निजी वाहनों की खरीद पर दिव्यांगों को 18% GST से छूट के लिए केंद्र सरकार नियमों में बदलाव करने जा रही है। इसके तहत वाहनों के रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में वाहन मालिक और संस्थान के अलावा वाहन किस श्रेणी का है इसका भी उल्लेख किया जाएगा। दरअसल सड़क 1989 में फॉर्म 20 के क्रम संख्या 4A में वाहनों की श्रेणी को दर्ज कराने को लेकर अधिसूचना जारी कर दिया है। मंत्रालय ने लोगों को इस मामले में सुझाव या आपत्ति दर्ज करने के लिए समय दिया है, इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि इसमें 8 लाख रुपए तक की कीमत के वाहन पर 18% GST पूरी तरह से माफ होगा। इनवैलिड कैरिज वाहन का ड्राइविंग लाइसेंस भी मिलेगा। टोल प्लाजा पर RC 100% टैक्स माफ होगा, रोड टैक्स माफ होगा, बीमा राशि में 50% तक की छूट मिलेगी। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि दिल्ली सरकार की नई पहल, सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के साथ अब छात्र भी जा सकेंगे विदेश। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने बजट भाषण के दौरान राजधानी में जिन शिक्षा सुधारों की बात की थी, उन्हीं सुधारों के लिए कई बैठकों और विचारों के आदान प्रदान के बाद शिक्षा निदेशालय ने विजन 2030 डॉक्यूमेंट तैयार किया है। निदेशालय द्वारा विजन डॉक्यूमेंट में तैयार की गई कार्य योजना में राजधानी की शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव के संकेत मिले हैं, जिसका असर जनवरी 2021 से दिल्ली के सरकारी स्कूलों में दिखना भी शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि अभी तक IIT आदि संस्थानों के छात्र एक्सचेंज प्रोग्राम में विदेश जाया करते थे, लेकिन अब विजन 2030 के तहत दिल्ली के सरकारी स्कूलों के छात्र भी शिक्षा संबंधी अनुभवों के लिए शिक्षकों और प्रिंसिपल की तर्ज पर विदेश जाएंगे, जिसके तहत निदेशालय ने स्टूडेंट्स को टीचर एक्सचेंज प्रोग्राम के विस्तार की योजना तैयार की है। दोस्तों दिल्ली के सरकारी स्कूलों में अगर ये प्रोग्राम चालू हो जाता है तो दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए ये बड़ी खबर होगी। इस खबर को आप कैसे देखते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि पंजाब में महामारी का दूसरा दौर, तेजी से बढ़ रही है मृत्यु दर।
दोस्तों आपको बता दें कि महामारी को रोकने के लिए 25 मार्च से शुरू हुए देशव्यापी लॉकडाउन को लागू करने में पंजाब पुलिस ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने पर पुलिस ने लाठी चार्ज से लेकर उठक बैठक करवाने तक के तरीके अजमाए। मई के अंत में जब लॉकडाउन का चौथा दौर शुरू हुआ तब तक पंजाब में महामारी की स्थिति काफी हद तक संभल चुकी थी और रिकवरी रेट 92% तक पहुंच गई थी। लेकिन अब पंजाब संक्रमण के दूसरे दौर का सामना कर रहा है। 19 अगस्त को पंजाब में 1705 नए महामारी के सामने आए, जो कि राज्य में एक दिन में अब तक की सबसे बड़ी वृद्धि है। पिछले एक हफ्ते में राज्य में 1000 से ज्यादा मामले दर्ज किए जा रहे हैं और स्थिति चेतावनीपूर्ण होती जा रही है। आपको बता दें कि बुधवार 19 अगस्त तक पंजाब में कुल 36,084 महामारी केस थे, जिनमें से 921 लोगों ने दम तोड़ दिया था और 22,703 यानी कि 63% लोग ठीक हो चुके हैं। आपको बता दें कि आंकड़ों से पता चलता है कि पंजाब में बुधवार तक मृत्यु दर 2.6% है। चिंताजनक बात यह है कि पंजाब के आधे जिलों में मृत्यु दर राज्य के औसत से ज्यादा है ही, राष्ट्रीय औसत से भी ज्यादा है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि अब आपकी पढ़ाई के लिए पैसा देगी सरकार, फॉलो करें ये 5 स्टेप, तुरंत खाते में आएगा पैसा। दोस्तों आपको बता दें कि क्या आप भी पैसों की कमी के कारण अपना पढ़ने का सपना पूरा नहीं कर पाए हैं? अगर ऐसा है तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि केंद्र सरकार ने आपकी इस परेशानी को भी हल कर दिया है। केंद्र सरकार अब छात्र और छात्राओं को पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप और एजुकेशन लोन दे रही है। आपको बता दें कि इस पोर्टल को खास तौर पर गरीब बच्चों के लिए तैयार किया गया है, जो पैसों की कमी की वजह से अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते हैं। आपको बता दें कि इस योजना के तहत पोर्टल पर शिक्षा लोन से जुड़ी सभी जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना की मदद से छात्र अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। छात्र अपनी जरूरत के हिसाब से पोर्टल के माध्यम से 13 बैंकों से 22 तरह के लोन ले सकते हैं। खास बात यह है कि पोर्टल पर स्कॉलरशिप की जानकारी भी दी जाती है। सरकार की इस पहल के बाद लोन लेने वाले स्टूडेंट्स को एक ही प्लेटफॉर्म पर सारी जानकारी मिल जाएगी और उनको इधर उधर भागना भी नहीं पड़ेगा। आपको बता दें कि विद्या लक्ष्मी योजना में लोन लेने के लिए आवेदन करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट www.vidyalakshmi.co.in पर जाएं। विद्या लक्ष्मी योजना के तहत एजुकेशन लोन लेने के लिए आपको अपनी सुविधा के हिसाब से लोन के लिए आवेदन करना होगा। लोन मंजूर होने के बाद आपको इसी पोर्टल पर उसकी जानकारी मिल जाएगी। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि जी और नीट 2020 परीक्षा को रद्द किए जाए, मनीष सिसोदिया ने केंद्र से की है विनती। दोस्तों आपको बता दें कि सितंबर में होने वाली जी और नीट 2020 परीक्षा को रद्द करने को लेकर एक बार फिर से मांग तेज हो गई है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्र से विनती की है कि परीक्षा को रद्द किया जाए। मनीष सिसोदिया ने अपने ट्विटर संदेश में लिखा कि जी नीट की परीक्षा के नाम पर लाखों छात्रों की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। मेरी केंद्र से विनती है कि पूरे देश में ये दोनों परीक्षाएं तुरंत रद्द करें और इस साल एडमिशन की वैकल्पिक व्यवस्था करें। अभूतपूर्व संकट के इस समय में अभूतपूर्व कदम से समाधान निकलेगा। आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया ने आगे लिखा कि ये सोच केवल नीट और जी परीक्षा ही एडमिशन का एकमात्र विकल्प है बेहद ही संकुचित और अव्यवहारिक है। दुनिया भर में शिक्षण संस्थान एडमिशन के नए नए तरीके अपना रहे हैं, हम भारत में क्यों नहीं कर सकते? बच्चों की जिंदगी प्रवेश परीक्षा के नाम पर दांव पर लगाना कहां की समझदारी है? और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते आगे और आपको बताते हैं कि क्या मच्छर के काटने से भी हो सकते हैं महामारी संक्रमित? WHO से जानिए इसका जवाब। दोस्तों आपको बता दें कि महामारी के फैलने को लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल हैं। कई लोगों का मानना है कि मच्छरों के काटने से महामारी फैल सकता है, लेकिन आपको बता दें कि इस बात में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर करके इस बात को बताया है। इससे पहले अमेरिका के वैज्ञानिकों ने भी कहा था कि मच्छरों के काटने से महामारी नहीं फैल सकता। आपको बता दें कि WHO ने पोस्ट शेयर करके बताया है कि महामारी मच्छरों के माध्यम से नहीं फैल सकता। आपको बता दें कि महामारी ड्रॉपलेट से ही फैलता है। जब किसी संक्रमित व्यक्ति के छींकने या खांसते समय मुंह से जो बूंदें निकलती हैं, उसी के द्वारा दूसरा व्यक्ति भी संक्रमित हो जाता है। इसलिए खुद को सुरक्षित रखने के लिए समय समय पर सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते रहें। इसके साथ ही लोगों से दूरी बनाकर रखें। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि ममता सरकार का दावा, 71 लाख घरों में बनवाए शौचालय, खुले में शौच से मुक्त हो गया बंगाल। आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद डेरेक ओब्रायन ने पार्टी के सोजाए बांग्ला बोलची अभियान के जरिए राज्य सरकार की उपलब्धियां बताते हुए दावा किया कि बंगाल के सभी जिले खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि बंगाल सरकार ने निर्मल बांग्ला प्रोजेक्ट के तहत 71 लाख ग्रामीण घरों में शौचालय का निर्माण कराया है। राज्य सरकार ने वर्ष 2012 में ही इस योजना पर काम करना शुरू कर दिया था। अब राज्य के सभी जिले और ग्राम पंचायत ओपन डिफेकेशन फ्री हो चुके हैं। डेरेक ने इसके साथ ही बताया कि राज्य सरकार यहां कृषि के विकास के लिए सिंचाई व्यवस्था को भी और बेहतर कर रही है। साल 2019-20 में और 14,000 हेक्टेयर कृषि जमीन पर सिंचाई की सुविधा मुहैया कराई गई है। इससे राज्य में कृषि उत्पादन और बढ़ेगा। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें कि अब बिना कार्ड के भी ATM से निकाल सकेंगे पैसे। SBI बैंक दे रहा है ये खास सुविधा।
दोस्तों आपको बता दें कि देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया समय समय पर अपने ग्राहकों के लिए खास सुविधाएं लेकर आता रहता है। SBI अपने ग्राहकों के लिए कार्डलेस कैश विड्रॉल की सुविधा लेकर आया है। बैंक की इस सुविधा के तहत ग्राहक सुरक्षित तरीके से पैसे को निकाल सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि ग्राहकों को पैसे निकालने के लिए डेबिट कार्ड की जरूरत भी नहीं पड़ती। आपको बता दें कि आपको सबसे पहले SBI का योनो ऐप डाउनलोड करना होगा। इसके बाद आपको ऐप में योनो कैश ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अब आपको ATM सेक्शन पर क्लिक करना होगा। यहां आपको कैश विड्रॉल का अमाउंट एंटर करना होगा। अब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर योनो कैश ट्रांजेक्शन नंबर आएगा। इसके बाद इस नंबर और अपने ATM पिन की मदद से कार्डलेस ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। ये नंबर 4 घंटों के लिए वैलिड होता है। SBI ATM में जाने के बाद ATM मशीन की स्क्रीन पर योनो कैश के ऑप्शन को चुनना होगा। इसके बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजे गए योनो कैश ट्रांजेक्शन नंबर को डालना होगा। अगले स्टेप में योनो कैश पिन डालने के बाद इसे वैलिडेट करना होगा। इस प्रोसेस को पूरा करने के बाद अब आप कैश को कलेक्ट कर सकते हैं। SBI ग्राहक बैंक की इस सर्विस के जरिए कम से कम 500 रुपए और अधिकतम 10,000 रुपए तक कैश निकाल सकते हैं। दोस्तों अगर आप SBI के ग्राहक हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद अहम है। इस खबर पर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि डिजिटल विलेज से 20 लाख लोगों को मिलेगी नौकरियां। 1000 दिन में 4.5 लाख गांव की बदलेगी तस्वीर। दोस्तों आपको बता दें कि अगले 1000 दिनों में देश के लगभग 4.5 लाख गांव की सूरत बदलने जा रही है। अगले 1000 दिन के बाद इन गांवों में युवाओं से लेकर महिलाओं तक के लिए नए अवसर निकलेंगे। इस योजना के तहत 20 लाख नई नौकरियां पैदा होगी। विशेष बात यह है कि ये नौकरियां गांव में ही होंगी। युवाओं को इसके लिए अपना गांव छोड़कर शहर नहीं जाना होगा। इतना ही नहीं, 1000 दिन के बाद गांव के लोगों को हर काम के लिए शहर जाकर सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। इन गांव के डिजिटल बनने से ये संभव होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गत 15 अगस्त को इसकी घोषणा की थी। अगले 1000 दिनों में बचे हुए सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने के काम को पूरा कर लिया जाएगा। अभी देश में लगभग 1.5 लाख गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का काम पूरा किया गया है। अब बाकी बचे 4.5 लाख गांवों को ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने का काम चल रहा है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि यूपी बोर्ड में पहली बार प्री बोर्ड परीक्षा पाठ्यक्रम 30% घटाया गया। दोस्तों आपको बता दें कि महामारी के कारण माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ाई प्रभावित होने के मद्देनजर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि यूपी बोर्ड ने कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं का पाठ्यक्रम लगभग 30% कम कर दिया गया है। आपको बता दें कि यूपी बोर्ड द्वारा जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि विभिन्न कक्षाओं में ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से शिक्षण कार्य 31 जनवरी 2021 तक पूरा कर लिया जाएगा और इसके बाद प्री बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन फरवरी 2021 के तीसरे और चौथे सप्ताह में किया जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते आगे। और आपको बता दें कि गैस सिलेंडर का पैसा इस प्लेटफॉर्म से करें पेमेंट, आपको फ्लैट 50 रुपए मिल जाएंगे वापस। दोस्तों आपको बता दें कि आप हर महीने रसोई गैस सिलेंडर खरीदते हैं। इसके लिए जाहिर है कि आप कई तरीकों से सिलेंडर के लिए पैसे देते होंगे, लेकिन अमेजन पे के जरिए अगर आप गैस सिलेंडर का पैसा पेमेंट करते हैं तो आपको फ्लैट 50 रुपए वापस मिल जाएगा। अमेजन की तरफ से फिलहाल 3 कंपनियों इंडियन गैस, HP गैस और भारत गैस के कस्टमर को ये ऑफर दिया जा रहा है। आपको बता दें कि सबसे पहले अमेजन ऐप में पेमेंट ऑप्शन में जाकर अपने गैस सर्विस प्रोवाइडर को चुने और यहां अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या LPG नंबर डालें। मोबाइल नंबर या LPG नंबर डालने के बाद एक्टिव बुकिंग के लिए पेमेंट करें या फिर नया क्रिएट करें। याद रखें कि पेमेंट आपको अमेजन पे के जरिए करना है। इस तरह पेमेंट करने पर आपको 50 रुपए का फ्लैट कैशबैक हासिल हो जाता है। अमेजन ये ऑफर 31 अगस्त 2020 तक के लिए दे रहा है। ध्यान रहे कि ये ऑफर अमेजन के जरिए पहली बार गैस सिलेंडर के लिए है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि व्हाट्सएप के जरिए फटाफट मिलेगा लोन, जानिए क्या है प्रोसेस। आपको बता दें कि टाटा समूह की वित्तीय सेवाओं से जुड़ी कंपनी टाटा कैपिटल ने व्हाट्सएप के जरिए तत्काल लोन देने की सुविधा शुरू कर दी है। कंपनी ने इस सुविधा का नाम स्विफ्ट इंस्टा पर्सनल लोन रखा है। टाटा कैपिटल के मौजूदा ग्राहक कंपनी के व्हाट्सएप चैटबॉट TIA के जरिए आसानी से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और लोन स्वीकृति हासिल भी कर सकते हैं। कंपनी की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में इस बात की जानकारी दी गई है। कंपनी ने हाल ही में व्हाट्सएप चैटबॉट TIA की शुरुआत की थी। ग्राहकों को इस चैटबॉट के जरिए कई तरह की सूचनाएं प्राप्त होती हैं। आपको बता दें कि व्हाट्सएप पर त्वरित लोन की इस सुविधा को लॉन्च करने को लेकर टाटा कैपिटल के चीफ मार्केटिंग एंड डिजिटल ऑफिसर A बनर्जी ने कहा कि हमारी यह पहल ऐसे डिजिटल सेवी ग्राहकों के लिए है जो एक प्लेटफॉर्म पर एक से अधिक सॉल्यूशन चाहते हैं। सर्विस रिक्वेस्ट में बढ़ोतरी और ग्राहकों के फीडबैक के आधार पर हमने व्हाट्सएप पर अलग अपनी सेवाओं का विस्तार किया है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि आबू धाबी जा रहे हैं तो जरूरी होगा रेजिडेंस वीजा। जारी कर दिए गए हैं ये निर्देश।
आपको बता दें कि अगर आप अबू धाबी जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है। दरअसल एयर इंडिया एक्सप्रेस की ओर से जानकारी दी गई है कि अबू धाबी की फेडरल अथॉरिटी की ओर से जानकारी दी गई है कि जिन यात्रियों के पास वैलिड रेजिडेंस वीजा है सिर्फ उन्हें ही अबू धाबी आने की अनुमति दी जाएगी, बाकी सभी तरह के वीजा को पूरी तरह से कैंसिल कर दिया गया है। ये निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि आपके किसी परिजन को यूएई से वापस भारत आना है तो वे शारजहां या अबू धाबी एयरपोर्ट से यात्रा करने वाले हैं तो उनके पास कोविड-19 पीसीआर टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट होना जरूरी है। अगर उनके पास ये रिपोर्ट नहीं है तो उन्हें यात्रा नहीं करने दी जाएगी। आपको बता दें कि अबू धाबी एयरपोर्ट पर ये नियम 21 अगस्त से लागू हो गया है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें कि केंद्र के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू, अगले साल जून से अनिवार्य होगी हॉलमार्किंग। आपको बता दें कि उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने गोल्ड हॉलमार्किंग केंद्रों के लिए पंजीकरण और नवीनीकरण की ऑनलाइन प्रक्रिया शुक्रवार को लॉन्च कर दी। इससे उन सभी ज्वेलरों और उभरते हुए उद्यमियों को फायदा होगा जो हॉलमार्किंग केंद्र स्थापित करना चाहते हैं या जिनके केंद्र पहले से चल रहे हैं। गोल्ड हॉलमार्किंग की व्यवस्था अब तक स्वैच्छिक ही रही है लेकिन अगले वर्ष जून से ये अनिवार्य हो जाएगी। उसके बाद से सोने के जितने भी गहने या जेवर बेचे जाएंगे उनमें हॉलमार्किंग अनिवार्य होगा। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि पाक ने माना कराची में रहता है दाऊद, डाला लिस्ट में नाम। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान ने FATF की ग्रे सूची से बाहर निकलने की खातिर 88 समूहों और व्यक्तियों के खिलाफ एक लिस्ट बनाई है जिनमें उनके खिलाफ कड़े प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया गया है, जिनमें भारत में मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम का नाम भी शामिल है। आपको बता दें कि दाऊद इब्राहिम का नाम पाकिस्तान की ओर से जारी नामित सूची में शामिल है। सबसे खास बात यह है कि पाक सरकार की ओर से जारी सूची में दाऊद के नाम के साथ दस्तावेज में उसका पता व्हाइट हाउस कराची बताया गया है। ऐसे में सवाल अब ये उठता है कि क्या पाकिस्तान अपने यहाँ दाऊद इब्राहिम की मौजूदगी को लेकर इनकार करेगा। पाकिस्तान अब तक दाऊद के अपने यहाँ होने की बात से इनकार करता रहा है। पाकिस्तान सरकार की ओर से इन संगठनों पर बैन करने के आदेश 18 अगस्त को जारी कर दिया गया था। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं आगे। और आपको बता दें कि सुशांत के घर CBI की टीम मुंबई पुलिस के साथ कर रही है छानबीन। आपको बता दें कि मुंबई पुलिस की एक टीम शनिवार को अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के घर पहुंची। यहां CBI की एक टीम पहले से ही मौजूद थी। इससे पहले केंद्रीय एजेंसी ने कूपर अस्पताल और बांद्रा पुलिस स्टेशन का दौरा किया और दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता के फ्लैटमेट सिद्धार्थ पिठानी और कुक नीरज से पूछताछ भी की थी। दोनों को साथ लेकर CBI टीम सुशांत के घर पहुंची, जो कि रात 8 बजे तक CBI सुशांत सिंह राजपूत के घर छानबीन करती रही। एक खबर के अनुसार CBI टीम फ्लैट पर उस सीन को रिक्रिएट करने वाली थी। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते आगे। और आपको बताते कि 12वीं पास के लिए इस पोस्ट पर निकली है वैकेंसी, जाने डिटेल्स। दोस्तों आपको बता दें कि ऑयल इंडिया लिमिटेड ने ऑपरेटर के पदों पर वैकेंसी जारी की है। इन पदों पर न्यूनतम 18 वर्ष के उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं। इच्छुक उम्मीदवार संबंधित वेबसाइट www.oilindia.com पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए कोई आवेदन का शुल्क नहीं लिया जाएगा। वहीं 18 अगस्त तक उम्मीदवारों का आवेदन करना आवश्यक होगा। इन पदों के लिए उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और ड्राइविंग टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। आपको बता दें कि पदों की संख्या 36 है, वेतनमान 16,000 से लेकर 34,000 के बीच में है। शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी से 12वीं पास, भारी मोटर वाहन चलाने का 4 साल का पुराना वैध ड्राइविंग लाइसेंस, इसके अलावा भारी वाहन चलाने का 3 साल का अनुभव, आयु सीमा 18 साल से लेकर 30 साल के बीच में होनी चाहिए। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते आगे। और आपको बता दें कि मायावती का जागा ब्राह्मण प्रेम, कहा कि बुद्धिमान है ब्राह्मण समाज, बहकावे में नहीं आएगा। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से ब्राह्मणों को लेकर राजनीति गर्मा गई है। सपा के परशुराम की मूर्ति लगवाने के बाद अब बसपा सुप्रीमो का ब्राह्मण प्रेम जाग गया है। मायावती ने शनिवार यानी कि 22 अगस्त को लगातार एक के बाद एक 4 ट्वीट करके प्रदेश में एक बार फिर से ब्राह्मणों को लेकर सियासत तेज कर दी है। आपको बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने पहले ट्वीट में लिखा कि बीजेपी द्वारा केवल राम राज की बात करने से यूपी की गरीब जनता का विकास और उत्थान आदि नहीं होने वाला है और न ही उन्हें जुल्म जाति से निजात मिलने वाला है, बल्कि श्री राम के उच्च आदर्शों पर चलकर सरकार चलाने से ही ये सब संभव हो सकता है, जिस पर वह सरकार चलती हुई नजर नहीं आ रही है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते आगे और जानते हैं मौसम के ताजा अपडेट को। आपको बता दें कि गहरे निम्न दबाव का क्षेत्र मध्य प्रदेश के मध्य भाग पर है। ये सिस्टम पश्चिमी दिशा की तरफ बढ़ता रहेगा और जल्द ही इसके कमजोर होकर निम्न दबाव के क्षेत्र में तब्दील होने की संभावना है। इस सिस्टम के साथ ही एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र भी बना हुआ है। इस बीच बंगाल की खाड़ी में 23 अगस्त को एक नया निम्न दबाव का क्षेत्र विकसित हो सकता है। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों के दौरान दक्षिणी और पश्चिमी मध्य प्रदेश के विभिन्न शहरों में भीषण मानसून वर्षा दर्ज की गई है। आपको बता दें कि कोंकण, गोवा, गुजरात, गंगे, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में और असम के कुछ भागों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक दो स्थानों पर भारी बारिश भी हुई है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कहीं कहीं भारी बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिली हैं, जबकि पंजाब, उत्तर
हरियाणा, मध्य प्रदेश के बाकी हिस्सों, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंतरिक महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, दक्षिणी पूर्व और दक्षिणी राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हुई है। इसी के साथ आपको बता दें कि अगले 24 घंटों के दौरान गंगे, दक्षिणी पश्चिम मध्य प्रदेश और गुजरात में कुछ स्थानों पर बेहद भारी बारिश हो सकती है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, कोंकण, गोवा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और असम के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। इसी के साथ आपको बता दें कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार के कुछ हिस्सों, गंगे, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, विदर्भ, तटीय कर्नाटक और शेष पूर्वोत्तर भारत में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। पंजाब के कुछ हिस्सों, हरियाणा, केरल, तेलंगाना, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें।